को फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरे को फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा या अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि मैं अपने पिताजी से कुछ नहीं लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन अपने पिताजी की मैं हेल्प नहीं लूंगा। तो ऐसा नालायक बच्चा है हमारा पाकिस्तान। हलवा पकाओ। अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान ने रशिया से सस्ता कच्चा तेल मंगाया। ठीक है जी, इन जायलों ने कच्चा तेल तो मंगा लिया लेकिन कच्चे तेल को रिफाइन कैसे करें वो टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, ऐसी हैवी रिफाइनरी इनके पास नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ पर इंडिया ने खेला बड़ा खेल, पहले कच्चा तेल पहुँचा यूएई, यूएई से आया जामनगर गुजरात में, गुजरात से रिफाइन हो गया पेट्रोल पहुँचा यूएई, यूएई से फिर पहुँचा है पाकिस्तान कराची पोर्ट पे। ठीक है जी। तो कच्चे तेल रिफाइन करने के अंदर भारतीय कंपनियों ने और दुबई की कंपनियों ने जो कि बिचौलिए होते हैं, इन बिचौलियों ने बहुत माल बनाया, मैं जानता हूं। और पाकिस्तानी पीएम शाहबाज कटोरा शरीफ अपनी छाती थपथपाने में लगे और ये बड़े बड़े ट्वीट करके अपनी आवाम में डेंगे हाक रहे। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है? चुप कर बे कुत्ते। भेजा क्या है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? खाली है, भेजा नहीं है। रख रख तेरी माँ की रख। लेकिन ये अपनी आवाम को कभी भी ये नहीं बताएंगे कि ये जो रिफाइन होके आया है ये भारत से होके आया है, क्योंकि इनको तो पिताजी की मदद लेनी नहीं है। इस रूसी तेल में क्या भारत ने किया खेल, ये बताएंगे हमारे अंकित सर। और पाकिस्तानियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में, ताकि तुम्हारी आवाम को तुम्हारा पीएम बताने को मजबूर हो जाए कि तेल रिफाइन होके कहां से आया। गाली तो बहुत देके जाते हो, मैं तो तुम्हारे भले की बात करता हूं। ऐसे मजाक मत किया कर यार, कि पाकिस्तान के साथ असल मायने में खेल हो गया है, नाना करते करते भी उसे भारत की शरण में आना ही पड़ा है। बस वो बात दूसरी है कि स्वीकार नहीं करना है कि हमने आपकी वजह से कुछ प्राप्त किया है। पाकिस्तान में पहुंचा है, पाकिस्तान को पहला टैंकर 12 तारीख को खबर छपी और यहां पर आया कि पाकिस्तान रशिया के क्रूड ऑयल का, डिस्काउंटेड तेल का पहला जहाज प्राप्त कर रहा है। पाकिस्तान में वैसे खुशियों का त्योहार मनाया गया, बकायदा फोटो फाटो छप गई, लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ ने जो कहा था वो कर दिखाया। देखो पाकिस्तान के अंदर रूसी तेल पहुंच चुका है, रूसी टैंकर जहाज जो है वो पहुंच चुका है। लोगों ने गजब तरीके से, भाई साहब शहबाज शरीफ खुद भी इस चीज में पीछे नहीं रहे, 12 तारीख को बकायदा उन्होंने ये ट्वीट किया। आज जो है ना, असल में तेल टैंकर दो दिन पहले पहुंच गया लेकिन आज जानकारी निकल कर आ रही है कि खेला कैसे हुआ है। ठीक है, इन्होंने बकायदा भाई साहब जनता को बताया कि पाकिस्तान वालों खुश हो जाओ, मैंने गढ़ जीत लिया है, मैंने वादा किया था तुम लोगों को कि देश के लिए मैं सस्ता डिस्काउंटेड रशियन तेल लाऊंगा और मैं लाने में कामयाब हो गया हूं और हमारा तेल कल कराची पोर्ट पर उतरना शुरू हो जाएगा। यह हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव दिन है। और भाई साहब इन्होंने जो जो भाषणबाजी कर सकते थे ना कमेंट बॉक्स में दे धमाल कर दिया। दिस इज फर्स्ट एवर रशियन ऑयल कार्गो टू पाकिस्तान, द बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। भाई साहब दिए फेंक फेंक करके कि भाई साहब झेलो झेलो, लपेटो लपेटो, लोग लपेट रहे थे। भाई साहब 11 तारीख को इन्होंने ट्वीट मारा था कल से तेल उतरेगा, बोले 12 तारीख को भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया। अब ये सब चीजें चल रही थी, अचानक लोगों को लगने लगा था कि वाह इंडिया के साथ धोखा हो गया है। आपको मालूम है कुछ दिनों पूर्व ये खबर निकल के भी आई थी, पाकिस्तान बार बार एक ही लाइन बोलता है, मोदी के इंडिया से हमें कुछ भी मदद नहीं लेनी है। ये 14 तारीख की खबर है, क्या बोलते हैं ये लोग कि मोदी के इंडिया से हमें कोई भी मदद नहीं चाहिए। भैया इंडिया तो हम सबका है जी, पाकिस्तानियों तुम्हारा भी है, अपना ही समझो इसे, लेकिन मानते ही नहीं है। पाकिस्तानी सी नो रूम फॉर ट्रेड रिवाइवल विद मोदीज इंडिया, खबर छपती है साहब, कोई बात आइए तो आज आपको न्यूज पढ़ाते हैं। न्यूज ये है कि जो रशियन ऑयल पाकिस्तान में पहुंचा है वो असल में रिफाइन इंडिया में ही हुआ है। खेला होवे, खेला हो गया क्या पाकिस्तान में जो इतना ज्यादा दे धमाल ये जो ट्वीट मारे पड़ रहे थे जाय साहब, मतलब जो देखे वो राजी हो रहा था। हुआ ये है, सूत्रों के हवाले से, और सूत्र अपने नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया में ये सरखी चल रही है कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, करते करते करने थे कुछ और निकले थे, ये हमारे साथ क्या हो गया? बोले क्या हो गया? अरे बोले वो जो तेल आया है ना वो इंडिया से रिफाइन होकर आया है। इंडिया से रिफाइन होकर आया मतलब? अरे बोले इंडिया वालों के पास पहले तेल पहुंचा था रूस वाला, फिर रूस का वो तेल इंडिया वालों ने रिफाइन किया, क्योंकि अपने पास तो रिफाइनरी है नहीं, इंडिया की जामनगर रिफाइनरी से वो रिफाइन हुआ, इंडिया वालों ने उसमें दाम बढ़ाए, वहां से उसी पेट्रोल के टैंकर को भेज दिया यूएई, दुबई भेज दिया, वहां जाकर वो वेट किया है और वहां से पाकिस्तानियों को दिखाया जा रहा है कि देखो यूएई से तुम्हारे टैंकर चल के आया है। अरे ये पीछे से तो पूरा इंडिया से चला आ रहा है, इंडिया का ही पूरा माल है, इंडिया वाले इसमें पैसा कमा गए, एक बैरल पर $17 प्रति बैरल का लाभ इंडिया वालों ने कमाया है।
इंडिया ने $52 प्रति बैरल का तेल टैंकर मंगवाया, $69 प्रति बैरल में इनको बेचा। इंडिया ने वही वाला खेला कर दिया जो यूरोप के साथ हुआ था। यूरोप वालों ने कहा था कि हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, बोले मत खरीदो। इंडिया ने और चाइना ने मिलकर 80% तेल कुल रशिया के एक्सपोर्ट का खरीद लिया और फिर साफ कर करके यूरोप को बेच दिया। वही खेला हुआ है। देखिए तेल की जो पावर पॉलिटिक्स है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। देखिए इंडिया वो देश है जिसके पास दुनिया के तेल को रिफाइन करने की सबसे अधिक क्षमता है। अरे हो भी क्यों ना, इंडिया ने अपने लेवल पर ये विकसित क्यों की है, क्योंकि लगभग 80% से अधिक हमारी तेल की आवश्यकता का हम इंपोर्ट करते हैं। अब तेल अगर हम साफ सुथरा कहीं से मंगाएंगे थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, अपनी रिफाइनरियों में उसे साफ करते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट में पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आदि चीजें बनाते हैं और अपने देश में उसका उपयोग करते हैं। तो क्रूड ऑयल मंगाकर देश में साफ सफाई का काम किया जाता है। रिकॉर्ड बात तो इस बार दर्ज यह हुई कि रूस का जो तेल है वो तेल 80% तेल कुल एक्सपोर्ट का वो इंडिया और चाइना के द्वारा ही खरीदा गया है। आपको पता तो होगा इंडिया ने तेल खरीदा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था, वो तो हुआ ही हुआ। इंडिया ने उस खरीदे हुए तेल को रिफाइन करके यूरोप को भी बेच दिया। यूरोप का ऊर्जा संकट दूर करने की खबर मैंने पहले आपको पढ़ाई थी और मैंने आपको यह तक बताया था कि सऊदी जो दुनिया के तेल प्रोड्यूसिंग या फिर तेल बेचने वाले देशों में टॉपर है, भारत ने उसे भी पछाड़ दिया तेल बेचने में। यानी इंडिया वो देश बनकर आया जो तेल दुनिया का इंपोर्ट करने वाला इंपोर्टर है, वो रिफाइन तेल को बेचने में सऊदी से ऊपर निकल गया। ये खबर भी मैंने आपको महीने भर पहले अपनी पाठशाला पर पढ़ाई थी। हमें क्या पता था पाकिस्तान के साथ भी यहीं से खेला कर दिया जाएगा। आपको देखना चाहिए यूरोप के अंदर जो एक्सपोर्ट होता है तेल, उसमें इंडिया का परसेंटेज सबसे ऊपर है। इंडिया रिफाइन करके भेजता है। और इंडिया क्यों करता है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे ज्यादा अच्छी रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी, जिसकी सबसे ऊपर कैपेसिटी है, वो इंडिया के अंदर ही है और वो रिलायंस के पास में है, प्राइवेट ओनर्स के पास में है। ठीक है, तो भाई साहब इनको चिंता होनी ही लाजमी है कि हमारे साथ खेला क्यों हुआ। देखिए इनके साथ खेला नहीं हुआ है, असल में इनके साथ में जो हुआ वो इन्होंने अपनी जनता को नहीं बताया है। पाकिस्तान के लोग अगर हमारा वीडियो देखें तो वो शायद समझ पाए कि उनके देश की सरकार ने उनके साथ क्या मजाक किया है। ये जिस चीज को लेकर के मतलब क्रेडिट लिए पड़े हैं कि हमने सस्ता तेल खरीद लिया, पहली बात इन्होंने $69 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीदा है, यह सस्ता तेल नहीं है। इंडिया को तेल मिलता है $52 प्रति बैरल पर, पहले यही समझो, आप लोग ढंग से समझो, पहले $52 प्रति बैरल पर इंडिया को तेल मिलता है, कौन सा, रूस का तेल मिलता है। दूसरा खेला ये जो आप है इसको थोड़ा और विस्तार से जान लो, पाकिस्तानियों को संबोधन है, क्या है, रूस ने तुम्हें तेल बेचा लेकिन तुम्हारी वैल्यू नहीं करी। वैल्यू नहीं करी से क्या मतलब है, बोल मतलब यह है रूस ने तुम्हें तेल बेचा लेकिन तुमसे यह शर्त पहले रखी थी कि तुम्हें असल मायने में पेमेंट चीनी करेंसी में करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें जो भी धन देना है वो चीनी करेंसी में दोगे, यानी युआन अथवा रैन मिनबी में पेमेंट करोगे। यानी पाकिस्तानियों इंडिया को जो बेनिफिट मिला था वो $52 प्रति बैरल पर मिला था, पहला एक बात, और दूसरा इंडिया ने तेल खरीदा उसका पेमेंट भी रुपए में किया गया था और तुम लोगों को जो पेमेंट करना पड़ा वो चीनी करेंसी में करना पड़ा, यानी कि तुम्हें फिर भी तेल खरीदने के लिए चीन की करेंसी या चीन का लोन उपयोग करना पड़ेगा। तुम्हारी ये विन नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है। और दूसरी हार जिसे तुम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, आज वो तेल खरीद के लाओगे अपने ऊपर मत डाल लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि तुम्हारे साथ जो दूसरा खेला पुतिन ने किया है वो ये है कि तुमको एक शर्त बताई थी जो तुमको नहीं पता है। वो शर्त ये है कि तेल तो देंगे तुम्हें लेकिन वो तेल इंडिया में रिफाइन होकर आएगा। ये तुम लोगों को पाकिस्तानियों नहीं बताया गया, वो तेल तुम्हारे यहां पर रिफाइन नहीं हुआ है, वो इंडिया में रिफाइन हुआ है। देख लो पहला पॉइंट, पाकिस्तान ने चाइना की करेंसी में पेमेंट किया है रशियन ऑयल का, नंबर एक आप देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया तो इतनी बुरी हालत में है कि कोई उसमें पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, रिकॉर्ड लो पर है, बेल आउट पर पहुंच गया है। और दूसरा तुम्हारे साथ जो हुआ वो तेल इंडिया में रिफाइन होकर गया है, जानकारी के अनुसार पता ये चला है कि रूस ने तेल बेचने से पहले ही ये कह दिया था शर्त में कि तुम्हें इंडिया से तेल रिफाइन करा के लेना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं रजा हमदानी, उन्होंने ये न्यूज सबसे पहले ब्रेक की है और पाकिस्तानियों को बताई है। इंडिया में तो इस बात की अभी तक चर्चा भी नहीं हुई
हुई है कि क्या फेला कर दिया इंडिया ने। ये बात निकल कर कैसे आ रही है, रशिया का तेल पहले इंडिया आया, इंडिया से फिर ये तेल यूएई संयुक्त अरब अमीरात गया, और संयुक्त अरब अमीरात के बाद ये पाकिस्तान गया। ये सुर्खियां चल रही हैं। ये पाकिस्तानी पत्रकार है जिसने ये बात लिखी है, उसने लिखा है कि इंडिया और यूएई के जो बिचौलिए हैं उन्होंने तो पैसे में गोते लगा लिए, $52 प्रति बैरल में खुद ने खरीदा, पाकिस्तान को $69 प्रति बैरल में टिका दिया, इंडिया के जो बायर हैं वो बीच में रहकर के सारा मजा ले गए, इंडिया वालों ने पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। बात बाहरों बार बात नहीं आई भाई साहब। पाकिस्तान के चर्चित बिजनेस अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, उसके संपादक का कहना है, जानकार वकास है ये, इनका कहना है कि पाकिस्तान के रूसी तेल खरीदने से भारत और यूएई के बिचौलियों ने जमकर कमाई की है, और इसमें सबसे पहले जो टैंकर था वो पहले यूएई नहीं, अल्टीमेटली पहले कहां आया था, इंडिया आया था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, देखो पाकिस्तान की रिफाइनरी तो पहले ही हॉलीडे पे चल रही है, उनके पास इतना बड़ा तामझाम नहीं है चलाने का कि वो तेल मंगाकर साफ कर ले। पाकिस्तान ने दुनिया को क्या बता के रखा था, अपने लोगों को क्या बता के रखा था, पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को बता के रखा गया था कि ये तेल पहले ईरान से आएगा, ईरान से संयुक्त अरब अमीरात जाएगा और वहां से तुम्हारे पास आएगा। पाकिस्तानी बड़े खुश थे, लेकिन क्या खेला हुआ, इधर देखिए, अगर आप देखें तो ये मैप फॉलो किया गया कैसे, रूसी तेल पहले इंडिया आया, यहां पर गुजरात के अंदर मगराटा जो यहां पर है यहां पर रिसीव हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ के पास से फिर ये तेल, सोचो यहां के बिल्कुल नजदीक कराची है। अगर पाकिस्तानियों के अंदर इतना ईगो नहीं होता, अपने बाप से मदद लेने में शर्म नहीं आती, तो भाई साहब गुजरात से सीधा तेल, अरे छोड़ो हम पाइपलाइन लगा के नोजल खोल देते यार, तुम्हारी तरफ बालक हो तुम हमारे, हम तुम्हें तेल यहीं से पहुंचा देते, पर देखो बेटा कितना ईगो वाला था, बाप की मदद को लेने के लिए भी कितना नाटक किया है। भारत ने पहले यह तेल कहां पहुंचवाया, दुबई पहुंचवाया, दुबई में पाकिस्तानियों को यह दिखाने के लिए कि तुम खुश रहो, उस टैंकर को पलटी किया गया कि यह टैंकर जो है रूसी तेल यहां आया, इंडिया वालों ने उसको साफ सफाई करके रिफाइन किया और यहां पर बढ़िया उसमें पैसा ऐड करके दुबई भेजा और उनसे कहा टैंकर बदल दो, टैंकर बदल के दूसरा टैंकर चल के यहां से यहां गया। सोचो साफ सुथरा तेल इतना लंबा ट्रैवल करके आया है, कैसा खेला इनके साथ हुआ, कैसी मति भ्रष्ट हुई है। और आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन आप ही का ही है, पहल दीजिए पाकिस्तानियों को। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।